तो ऐसे काबू में आएगा आपका मन। अक्सर कहा जाता है कि मन पर किसी का भी काबू नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मन पर काबू नहीं पा सके, और जो भी मन पर काबू पा लिया उसने परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लिए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है, प्रत्येक मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। आइए आपको बताते हैं कि मन पर नियंत्रण होना क्या आवश्यक है। यदि व्यक्ति एक क्षण भी मन इंद्रियों पर नियंत्रण को छोड़ देता है तो उसी समय यम नियम का भंग हो जाता है और विनाशकारी कार्य कर लेता है। ऐसे ही जब व्यक्ति ईश्वर से संबंध तोड़ लेता है तो उसी समय प्रकृति से जुड़ जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार को प्राप्त होता है। जैसे चालक गाड़ी की गति से अधिक गति अपने मन में रखता है तभी गाड़ी को नियंत्रण कर पाता है, ऐसे ही अत्यधिक वेगवान वस्ती मन को चलाने नियंत्रण में रखने के लिए आत्मा को उससे अधिक शीघ्र अति शीघ्र इच्छाएं योजनाएं बनाने बदलने में समर्थ होना पड़ेगा, अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मन वास्तव में वस्तु का सही स्वरूप दिखाता है, परंतु हम स्वयं अपनी भावनाएं उस वस्तु से जोड़ लेते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी रखकर उस विषय के संस्कार न उठाना चाहिए। मन वचन कर्म से हम जो भी कार्य करते हैं उन सभी कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं हमारा है, हम स्वयं करता है। मन इंद्रियां तो जड़ है। अक्सर हम देखते हैं कि हंसी मजाक करते समय व्यक्ति को बाह्य वृत्ति के रूप में व्यर्थ और अनावश्यक विचार चिंतन करना पड़ता है ताकि सामने वालों का अधिकाधिक मनोरंजन हो सके। इस स्थिति में मन की चंचल अवस्था होती है। मन को जड़ मानने और इच्छानुसार चलाने के अभ्यास क्रम में पहले शरीर को स्थिर रखना चाहिए। इसके लिए जिस अंग में लगे के प्रतिकूलता सी है उसे बलपूर्वक नहलाना, वहाँ से इच्छा को हटा लेना चाहिए। ऐसे ही सारे शरीर को स्थिर करना चाहिए, पुन मन को इच्छा पूर्वक स्थिर करना चाहिए। इसके लिए मन और जीवात्मा के गुण धर्म जानना आवश्यक है। सारे व्यवहारों में जो भी क्रियाएं होती हैं, उसमें जीवात्मा की इच्छा प्रयत्न मन को प्रेरणा देना मन द्वारा बुद्धि इंद्रियों को प्रेरणा देना आदि जानना चाहिए। इतना जानने के पश्चात मन को रोकने में सफलता मिलेगी। इच्छा ज्ञान रोकने पर मन को भी रोक सकते हैं। मन को रोकने का अभ्यास करने पर उसे जहां चाहे जिस विषय में लगा सकते हैं और किसी वस्तु व विषय से हटा भी सकते हैं।